जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ संचित सक्सेना। और आज भाई कोई ऑटोमोबाइल या कोई कार का रिव्यू हम लोग आज नहीं करने वाले। ये है एक मेरी क्या कहते हैं वेकेशंस का ट्रिप, जहाँ पे मैं 9 दिन के लिए केरला जा रहा हूँ। और इसके अंदर क्या क्या मेरे को अच्छा लगा, कहाँ कहाँ पे मैं गया, और एक ओवरऑल मैं फीडबैक आपके साथ में शेयर करूंगा। और साथ ही साथ मैं, भाई देखो मैं पहले बता दूँ ना, मैं कोई फूड ब्लॉगर हूँ ना मैं कोई ट्रैवलिंग व्लॉग बनाता हूँ। ये जस्ट एक मेरी मेमोरीज है जो कि मैं अब सेव रखना चाहता हूँ अपने साथ में। और इसके साथ में क्या क्या मेरे को अच्छा लगा, हम लोग कोची जा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, तो एयरपोर्ट से हम जाएंगे कोची। वहाँ पे मैं सेल्फ ड्रिवन व्हीकल लूंगा, इसके साथ वहाँ पे हम आसपास घूमेंगे, समझेंगे, फूड देखेंगे कैसा है, क्या क्या हिसाब किताब है। तो डे वन हमारा कोची होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सारी ओवरऑल केरला की जो जो ट्रिप में मेरे साथ में अच्छी चीज़ें रहीं, बुरी चीज़ें रहीं, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस एपिसोड 1 के अंदर, जहाँ पे हम डे 1 की बात करेंगे। और एक नई प्लेलिस्ट हमने बनाई है, वहाँ पे जाके आप फर्दर और सारी वीडियोस देख सकते हो। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। तो फाइनली कोची एयरपोर्ट हम लोग आ गए हैं, और अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ भाई। ये है यहाँ पे गाड़ी, तो ऑल्टो 800 VXI कार हमें मिली है यहाँ पे। पॉइंट था यार ये, जब तक ना मैं मतलब यहाँ का केरला जो रूट है ना, ट्रांसपोर्टेशन लोकल ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट दिक्कत ये आ रही है थी कि कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको बस भी चेंज करनी है फिर ट्रेन भी चेंज करनी है सेम डे, तो बड़ा चैलेंजिंग है। तो एंड मोमेंट में मैं जागा और इंडस पे मैंने बुकिंग कराई, तो कुछ ये गाड़ी लास्ट में बची हुई थी भाई, ऑल्टो 800 हमें मिली है। अभी पूरी इन्वेंट्री और वो सारी चीज़ें कर ली हैं, लेकिन आप ये देखो यार, गाड़ी एक तो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, टायर इसको मेरे को लगता है थोड़े ना घिसे पड़े हैं यार, इसके टायर ना बहुत ज़्यादा वॉर्न आउट है। और ये है, और अब जब भाई हमने गाड़ी ली है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का। ये कुछ सारा सामान हमने इस तरीके से यहाँ पर रख दिया है, अब कोई चिंता नहीं है, ये गाड़ी रहेगी पूरे ट्रिप में हमारे साथ में, मस्त फ्री होके घूमेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये है भाई इंडस की तरफ से, बाकी बताते रहेंगे भाई गाड़ी चलने में कैसी है क्या है, लेकिन देखते हैं 800 कार को मैं लेके जा रहा हूँ। मुन्नार भी जाएगी ये गाड़ी, LAP भी जाएगी, तो देखते हैं कैसी चलती है। फिलहाल निकलते हैं सबसे पहले होटल। देखो भाई बात ऐसी है, जिस हिसाब से यहाँ पे ऐसी सड़कें हैं ना, अगर पूरे रूट पे ऐसी सड़कें रहीं तो इस गाड़ी से कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन यार मेरे को चैलेंज यही आ रहा है कि 730 किलो के आसपास का इस गाड़ी का वेट है, और दो जनों के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इतना मेरे को कोई चैलेंजिंग नहीं लग रहा। ज़्यादा ज़्यादा टोटल वेट 1000 किलो हमने रखा होगा, तो 800 CC पे 1000 किलो का वेट जा रहा है, तो थोड़ा सा मेरे को टफ है। अगर प्लेन रोड है जैसा अभी ये रूट चल रहा है तो कोई चैलेंज इसमें नहीं आने वाला। लेकिन दोस्त अगर थोड़ा वो आ गया, रट वाला टेरेन आ गया या घाट सेक्शन आ गया जो कि आने वाला है मुन्नार में, तब इसको थोड़ा सा मेरे को दिक्कत लगेगा। बाकी देखते हैं आज के दिन का कैसा रहता है, पूरा घूम घाम के शाम को बात करेंगे इस गाड़ी के ऊपर, अभी तो चलाने दो देखेंगे कैसा है। ये आ गए हम नारियल पानी की तरफ, सबसे पहले भाई नारियल पानी पियेंगे, मस्त 40 रुपये का एक नारियल पानी है। लेकिन भाई इनके नारियल जो होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं, तो देखते हैं बढ़ेगा इन द सेंस। देखो ये देखने में लग रहा होगा छोटा, बट स्टिल हाँ छोटा ही है, लग क्या रहा है भाई छोटा ही है, लेकिन देखते हैं बाकी। 40 रुपये का है, सही है भाई, केरला लैंड ऑफ कोकोनट। आपको मैं सबसे पहले रूम टूर कराता हूँ, ये है भाई हमारा रूम, होटल गोल्डन सुइट नाम है इस होटल का, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो भाई दिसंबर के अंदर हूँ, ये पड़ा है 1,000 रुपये का। और मेरा पॉइंट यही है कि हमें कल सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे तक ना, मैक्सिमम 6 बजे तक हमें मुन्नार निकलना है। सिर्फ सोने के लिए कमरा चाहिए था, अभी बस आएंगे चेंज करेंगे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तैयार हो गए, अब हम मार्केट में आ गए। भाई ये है यहाँ पे होटल सर्वना भवन, बिल्कुल सेफ गेम खेलने का। तो अभी 11:58 हो रखे हैं, मैंने सोचा यार कि पहले यहीं पे आ जाओ, सर्वना भवन जानते हैं क्या है। तो यहाँ पे आए और इधर हमने ये यहाँ पे पार्क करा। अभी ये सर्वना भवन की पार्किंग है, देख रहे हो अब लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ना एक बड़ा मस्त इंसिडेंस होता है, ये मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क करी, गार्ड भैया आए और हमें दिए ये कूपन और बोला 50 रुपये का। वो बोलते हैं कि जब तुम जाओगे वहाँ पे खाना खाने के लिए वो 50 रुपये ही आपको वापस कर देंगे। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, सही बात है, ताकि कोई दूसरा बंदा पार्क ना करके चला जाए। तो गार्ड भैया हंसने लगे, कह रहे आप समझ गए ना। मैं कहा हाँ भैया हम समझ गए। तो भाई ये हुआ है, सही है यार, इन्होंने देखो मैनेज कर रखा है। थोड़ा आप एरिया देख सकते हो, कंजेस्टेड रोड वाला एरिया है, और यहीं पे अगर देखें तो एक अच्छा स्पेस ले रखा है इन्होंने, सर्वना भवन वालों ने। मे भी शायद रेंटेड ले रखा हो या क्या ले रखा हो, बट ठीक है अपने को क्या। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं खाना कैसा है। फिलहाल देखो मैं आपको होटल के बारे में बताऊँ ना, यहाँ पे तो जो मेरा होटल है वो देखो, मेरा माइंडसेट यहाँ पे यही था कि आप मतलब यहाँ पे आओ तो मतलब सोने के लिए यार आप आ रहे हो, सारा दिन आप घूम रहे हो, तो बेटर है कोई ठीक ठाक सा आप होटल ले लो, रिव्यू विव्यू उसके ठीक ठाक से पढ़ लो और वहाँ से फिर आप क्या कहते हैं आगे कंटिन्यू करो अपनी जर्नी। तो यही है ये यहाँ पे होटल सर्वना भवन वेज। तो चलते हैं, दिल्ली में तो यार देखो बहुत गए हैं, बट यहाँ का देखें तो हाँ थोड़ा सा मतलब ठीक है, इनके लिए तो ये कॉमन है, बट अपने लिए ये चीज़ें यहाँ पे कॉमन नहीं होती। तो देखते हैं पहले बैठा कहाँ पे जाए, और फिलहाल के लिए ये आप यहाँ पे देखो मीठा तो यार अपन खा के जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हो गया समोसे, और ये भी कुछ है, देखेंगे अभी मेन्यू आएगा तो बैठते हैं। तो भाई ये मेन्यू आ गया, वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं सर्वना भवन पे। और इधर भी है क्या? यस इधर भी है, पास्ता वास्ता सब है। सो भाई ये दी गई है कॉम्प्लीमेंट्री काइंड ऑफ वेलकम ड्रिंक, तो ये हर्बल टी है, नहीं हर्बल ड्रिंक है, पी के बताता हूँ है कैसी। तो ये गर्म है, अब एक बार पी के देखते हैं। टेस्ट तो नहीं आ रहा, बस गर्म पानी का आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ इसमें है ऐसा लेप भी जा रहा है, ठीक है तो अच्छा लग रहा है, सही है। बाकी अब ऑर्डर आ जाए फिर देखते हैं। डन। इडली क्या था ये? ओ भाई ये आया है, और ये कोई इवनिंग स्नैक है, इसका नाम है इल्ला अड्डा। तो इन्होंने समझाया है कि भाई चावल है, चावल के अंदर गुड़ डाल रखा है और कुछ ऐसा है, तो ये काइंड ऑफ स्वीट डिश है, और ये थोड़ा हॉट है, और देखते हैं एक बार इसे ओपन करके। तो क्या हलवा है? तो भाई ये हलवा है। नहीं ये कुछ और है भाई। अरे ये भी कुछ है यार इसमें, ये देखो ना, ये देखो इसके अंदर ये कुछ तो है। ये डोसा आ गया, तो ये कुछ तो है, एक बार ना इसे खा के तोड़ के देखा जाएगा। बिल्कुल ऐसा टेस्ट आ रहा है जैसे कुछ लोगों के घर में दिवाली पे वो मीठे चावल गुड़ वाले बनते हैं ना, बस वही है विद कोकोनट, पर अच्छा है। हाँ भाई ये थोड़ा हटके है, किशमिश भी डली हुई है अंदर, गुड़ भी डला हुआ है, चावल इन्होंने बोले हैं, लेकिन अब चावल आई जैसे ये ऊपर की लेयर होगी, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो भाई अब ये मसाला डोसा था, तो चटनी तीन तरह की आ गई, सांभर आ गया,
इनका कैसा टेस्ट है? अपने यहाँ वाला है, है? अपने यहाँ वाला भी नहीं कह सकते, हर जगह का अपना टेस्ट है। तो इसे मैं साइड रख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में खाऊंगा। पहले ट्राई करते हैं मसाला डोसा। तो ओनियन खूब सारा इसमें डाल दिया है, ओनियन मसाला डोसा हमने डाला। बहुत मज़ा आ गया, दिल्ली से अलग है लेकिन बढ़िया। तो भाई ये चटनियाँ सांभर ये सब जो है ना, ये आपको अनलिमिटेड मिलता है। और अनलिमिटेड का नाम सुन के भाई साहब देख रहे हो, हमने दबा के फेल दिया। अगली बार अब वो आया, वो भाई सीधा प्लेट ही रख दिया, लो इन्हीं में से उठाओ और इन्हीं में से खा लो। तो ये है, लेकिन नहीं यार खाना बहुत टेस्टी है, जोक अपार्ट खाना बहुत टेस्टी। और ये जो भी चीज़ है ना, ये जो मैंने दिखाई आपको इड़प्पा, ये भी भाई मज़ा आएगा खाने में ना। तो ट्राई करो इसे, प्योर वेजिटेरियन हो अगर आप तो, क्योंकि आज का दिन मेरा जो है ना, मैं थोड़ा ऐसा सोच रहा था अभी यार रिस्क मत लो, खाना कैसा है, मसाले कैसे हैं यहाँ के, तो पहले थोड़ा एडजस्ट हो जाए उसके बाद में देखेंगे। तो बट ये है सही अपना मस्त। अभी मेरा आ जाए मशरूम परोठा। ये क्या आ गया, ये मशरूम पराठा बोला था भाई, ये क्या है? ये तो सब्जी सी रोटी थोड़ा मिलेगी है, ये तो सब्जी है यार। परोठा भाई, ये तो सब्जी दे गया। प्लेन डोसा मंगवा लो, उसके साथ खा लो। अभी रुक जाओ, मैं पहले पूछता हूँ। अभी रुको जरा भाई, ब्लॉग का रोक रहा हूँ जरा, क्षमा चाहता हूँ ब्लॉग रोकने के लिए। पहले मैं समझ लूँ ये है क्या, मैंने तो परोठा बोला है, मशरूम परोठा। अभी रुक जाओ, अभी आता हूँ आपके। अब समझ में आई है बात, ये क्या है, ये पराठा ही है। मेरे दिमाग में वो चल रहा था, वो मालाबार परोठा होता है ना इनका, गोल 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 गोल, शायद वो होगा। तो इसमें पहले पराठा बनाया गया है, उसको बनाने के बाद में उसे काट दिया, और मशरूम का ये जो मसाला है ना, इसके साथ में मस्त मिक्स कर दिया गया। तो ये कुछ इस तरीके से बनाया है भाई मशरूम परोठा। खाते कैसे हैं, ये कोई मियोनी टाइप की चटनी मिली है, तो ये है। और टेस्ट में बात करूं तो भाई टेस्ट तो बढ़िया है, आंखों का धोखा। मज़ा आ गया, आंखों का धोखा है, लेकिन यह टेस्ट बहुत बढ़िया है इसका, और वेजिटेरियन है। बात ऐसी है, जो ये हिसाब किताब है ना मशरूम परोठा, ये देखो आपको मैं दिखा भी देता हूँ, मैंने ये ऑर्डर करा था, देख रहे हो 130 रुपये। तो बात ऐसी है, जो मेरे को समझ में आ रही है ना, ये सारा का सारा वो है, मैरिनेशन है जो पराठे के अंदर डाली जाती है, ठीक है। इसमें आटा वाटा कुछ नहीं है, वो सारी मैरिनेशन है, उसको भाई इन्होंने अच्छे से कुक करा। और ये कोई मेयोनी या वो नहीं है, ये है रायता। तो वो वाला है जैसा आप लोग घर में नहीं खाते रायता, इसके अंदर प्याज डाल रखा है, गाजर डाल रखी है, ये है, तो मिक्स रायता है ये। लेकिन खाने में भाई मज़ेदार, ये मसाला जो है ना मज़ा आ रहा है। तो एक तरह से ऐसा समझ लो, अपने घर में वो आलू आलू की सब्ज़ी बनती है ना, सूखी सब्ज़ी, उसके साथ रोटी खानी है, तो एडिशनल अभी तो मैं ऐसे खा रहा हूँ, लेकिन अगर रोटी होती, रोटी है क्या इनके पास, चलो छोड़ो रोटी, अगर रोटी होती तो ये रोटी के साथ में खाने वाली चीज़ है, लेकिन अच्छा लग रहा है ऐसे भी। तो भाई ये जो चीज़ है ना पराठा, बहुत हैवी है, हल्के में मैं ले लिया सूखी सब्ज़ी समझ के, लेकिन बहुत हैवी है, तो माफ़ करना, छोड़ना पड़ेगा। तो यही है, बाकी ये कॉफ़ी मंगवाई और ये तो ख़त्म कर लिया हमने, ये तो भाई सबसे बढ़िया था। ये दूसरे पे डोसा, तीसरे पे ये, यार ठीक है मैं पहली बार खा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन ये भी अच्छा है यार। खा पी के आ गए फिर से अपनी लाल परी के पास में। लाल परी, छोटी परी भाई, ये छोटी परी है, ये बड़ी परी है, ठीक है, सही है। तो भाई 50 रुपए का टिकट लिया है, और यहाँ पे वैसे 30 रुपए का टिकट था, लेकिन ये विद लोडिंग के साथ में 50 रुपए हुआ है। तो मैंने कहा भाई विद लोडिंग तो कुछ नहीं है, कह रहा क्यों कितने जने हैं, मैंने कहा एक जना और है, कह रहा नहीं तो विद लोडिंग ही लगेगा, ठीक है। बाकी आज यहाँ पे चैलेंज आ रहा है कि एक ही फेरी चल रही है, वैसे इनके हिसाब से दो फेरी चलती हैं, बट आज एक ही फेरी चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इतना लेट हो गए हैं। लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले जियो टाउन जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बोला है कि भाई अभी आप 2 बज रहे हैं तो जियो टाउन चले जाओ पहले, सबसे पहले, क्योंकि वो 5 बजे के आसपास बंद हो जाएगा।
बाकी सब तो यहाँ पे सब खुला रहता है, तो कोई चैलेंज नहीं। और ये जो फेरी है ये भी रात के 10 बजे तक चलती है। अगर मान लो फेरी छूट जाए तो भी एक लैंड एरिया है दूसरा, वहाँ से आप जा सकते हो, तो कोई इतना चैलेंज नहीं है। बाकी देखते हैं अब जब गाड़ियाँ खुलेंगी फिर हमारा नंबर कब आता है। बिल्कुल सही चल रहा था हिसाब किताब, लेकिन अपनी बारी के अंदर ना ये फेरी यहाँ पे आके रुक गई है। तो दिखा दूँ आपको, ये यहाँ पे आएंगे, इधर से गए और तकरीबन यहाँ पे 15 गाड़ियों के करीब आ जाती है, लेकिन आज टू व्हीलर भी ज़्यादा है और इसमें चैलेंज आ रहा है। इनके पास में इनकी एक ही फेरी चल रही है, तो ये है, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ये यहाँ से आगे जाएगी, अब दूसरा नंबर हमारा है, वो खड़ी हमारी गाड़ी, देखते हैं। ये यहाँ पे इतनी लंबी लाइन है, ये यहाँ से पूरी आगे तक ऐसे लाइन यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है यार, एक अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है। और इसके साथ में एक ये वाइपिन कोची वाटर मेट्रो और है, तो ये आप इनकी मेट्रो देख सकते हो। ये इनकी कुछ मेट्रो ऐसी है, अंदर एसी लगा हुआ है, लेकिन यार बहुत ना उमस है यार, चिपचिप वाली गर्मी है यहाँ पे। वो कोस्टल एरिया के अंदर तो होती है, मतलब आज देख लो दिसंबर, आज 5 दिसंबर है, तब भी यार ये चैलेंज यहाँ पे आ रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे जाना है, ये यहाँ से सीधा जा रही है। तो अभी जब तक रुके हुए हैं ना, तो गाड़ी की भी एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं यार। पहली चीज़, ये वाली जो कार है ये 2022 का मॉडल है, VXI वेरियंट ये यहाँ पे है। दूसरा, जो ये इंडस गो है जिससे हमने ये रेंटल पे कार ली है, तो हुआ ये था कि जैसा मैं आप लोगों को पहले बता रहा था ना यार, हम लोग सोच रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट लेने का, जैसे ये फेरी हो गई या इनके ट्रेन्स या ये सब हो गई। बट बाद में जब समझ में आई ना पिक्चर हमें, मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, अगर एक भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आई या हमसे मिस हो गया तो पूरा का पूरा रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो एंड मोमेंट में मैंने ये जाके ये गाड़ी ली। तो पहली चीज़, एकदम मैं जेन्युइन रिव्यू देता हूँ, जो यार ये 800 कार है। देखो गाड़ी का कंडीशन अगर मैं बात करूँ, एक एवरेज कंडीशन है, कुछ मैं ये नहीं बोलूँगा, बहुत ही अच्छी है। 22,000 चली है एज़ पर द स्पीडोमीटर, बट टायर अगर आप देखोगे ना तो टायर इसके कुछ ज़्यादा ही घिसे हुए हैं, तो ये 22,000 के हिसाब से तो नहीं लग रहा। दूसरी चीज़, गाड़ी जो मेरे पास में आई ना, गाड़ी आई है गंदी, आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पर स्पॉट्स आ रहे हैं, शीशे पे स्पॉट आ रहे हैं। और वाइपर बॉटल तो इसमें पानी नहीं था, वो तो उस भाई से क्या कहते हैं, दूसरी मेरे पास में पानी की बॉटल थी वो मैंने डाली है। ये देखो, ये यहाँ पे ग्लासेस इस पर स्प्लिट है, ये बाकी आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ना नीचे के पैनल सारे डैमेज हो रखे हैं इस गाड़ी के, तो कुछ ये खास मेंटेन तो नहीं करते, मैं ये बात तो बोलूँगा। और यहाँ पर अगर देखें तो अंदर से गाड़ी ठीक है, बट बात आती है यार, ये जो VXI मॉडल है ना, इनको एटलीस्ट एक टॉप वेरिएंट देना चाहिए था गाड़ी का, जहाँ पे USB चार्जर मिल जाए। अभी USB चार्जर नहीं है, वही 12 वोल्ट का जो क्या कहते हैं लाइटर वाला पॉइंट होता है, वही इसके अंदर अवेलेबल है, तो एक ये चैलेंज है। बाकी गाड़ी की अगर मैं बात करूँ, चलने फलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटेन है कार, अच्छी है सर्विस, मेरे हिसाब से अच्छी होती है गाड़ी की। तो ये है, और देखेंगे बाकी अगर प्लेन रोड, जैसा मैंने आपको बताया ना यार, यहाँ पे ना एक काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है। आप ये देखो, गाड़ियों से बेशक बंदे बाहर हैं, लेकिन ना कोई ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें कि जो गाड़ी उठा के लेके यहाँ आगे आ जाए। और जगह भी यहाँ पे बहुत है, देख रहे हो, यहाँ पे जगह भी बहुत है, इधर भी बंदा कोई आने को आ सकता है, बट स्टिल कोई ऐसा यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक ये मेरे को एक अच्छी बात लग रही है। दूसरा देखो, अगर मैं बात करूँ ना, रोड्स यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरी हैं। अगर यही रूट, ऐसा ही रोड पूरे के पूरे प्लान में मिला तो ये गाड़ी सक्सेस है, वरना अपने को थोड़ा सा इसमें चैलेंज आने वाला है। तो ऑल्टो 800 देखेंगे, मैंने लाइफ में कभी ये गाड़ी नहीं चलाई, आज पहली बार ऑल्टो 800 चला रहा हूँ, तो अभी तो मैं आराम आराम से इसे ध्यान से चला रहा हूँ, देख दाख के, क्योंकि अभी हाथ अपना मैं सेट कर लूँ गाड़ी के ऊपर। तो बाकी यही है यार, वेट करते हैं फेरी का। फ़िलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ तो भाई पता नहीं कितनी दूर जाती है यार। नहीं यार, वो है फेरी, ये जो गाड़ी गई है ना, ये देख रहे हो, आपको जूम करके दिखाता हूँ,
वो है फेरी, अब वो वहाँ से फिर यहाँ पे आएगी, फिर हमें लेगी। और इस बारी जो नंबर है ये हमारा नंबर है, आप ये देख सकते हो अंदर से भाई कुछ ये है गाड़ी। और यहाँ पे देखो मैं चार्जिंग पॉइंट आपको बता रहा था ना, कुछ भी नहीं है यार। ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग है वो तो ये है, अपने पास में ये महिंद्रा का कार इन्वर्टर रखा हुआ है जो कि ये चार्ज कर पाएगा। और ये भी 12 वोल्ट का है, ये भी यहाँ पे 12 वोल्ट ही इनपुट ले रहा है, तो ठीक है, कोई अपने को चैलेंज नहीं आएगा। बट स्टिल यार ये होना चाहिए था। और गाड़ी में अगर मैं देखो अभी अंदर देखूँ ना, यहाँ पे कोई नेविगेशन कुछ नहीं है, यही नॉर्मल सिस्टम लगा हुआ है। और इन्होंने एसेसरी में ये फालतू की चीज़ें लगा रखी हैं, स्टेयरिंग रैप ले लिए या ये सीट कवर ले लिए, इससे बेटर कोई यार यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले दे देते तो थोड़ा बेटर होता। तो यही है, बाकी देखते हैं। और मैंने क्या करा, अब जब हम दो ही हैं भाई, अपना सामान मस्त रखो जैसा मैंने दिखाया, ये देखो भाई बाकी सामान होटल छोड़ा है हम, ये पूरी की पूरी सीट ऐसे लिटा के अपना मस्त चलाएंगे गाड़ी। आ गया भाई, आ गया नंबर, आ गया यो यो यो। सेंट्रो गोटा सेंट्रो ऐसे उसने बोला, लेकिन समझ में आ गया कि सेंटर में लेके चलनी है गाड़ी। भाई मजे में कुछ ज़्यादा ही आगे लिया है लग रहा है गाड़ी में। खैर ठीक है, जैसा भी है। तो ये भाई ने उसने पर्ची पाड़ दी, ठीक है 50 रुपये वाली रख लेते हैं अभी। वी विल कीप गाड़ी को, यार मैं बंद कर देता हूँ, अच्छा नहीं लगता सारे बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो नॉट गुड पॉल्यूशन, व्हीलर आ रही है सारी। बदबू आ रही है मच्छी सी। क्या ठीक है, चलने लग गई धीरे धीरे, ये देखो वहां से पता लगेगा। पता इतना तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं सामने एकदम खड़ा हूँ ना, ऐसे मैं आगे हूँ, मेरे को यहाँ पे पता लग रहा है कि कुछ हलचल हो रही है। और बड़ा खतरनाक व्यू है भाई, ये देख रहे हो भाई, यू ऐसे 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 हो रही है मोटी है। ये देखो देख रहे हो, वैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऑल्टो 800 मिली है, वो भी कुछ भगवान ने सोच समझ के दी होगी। पॉइंट यही आ रहा है, ये देखो ना बहुत पतली पतली ये यहाँ की ना गलियाँ हैं। अभी कोई बड़ी गाड़ी होती तो बड़ा मुश्किल होता। और ये है, और सारा का सारा आप देख ही सकते हो यहाँ पे रश होता जा रहा है शाम को ना। तो ठीक है यार, छोटी कार है, अपना कहीं से भी काट लो, कहीं से भी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो फाइनली भाई अब हम लोग इस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हमें मटन चेरी पैलेस सामने दिखेगा, जू टाउन रहेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, ये जितना भी कोच्ची के अंदर एरिया है घूमने का, ये सारा बिल्कुल पास पास ही है। बस आपने फेरी करा और अब आप यहाँ पे आके देख सकते हो, सिंपल यहाँ पे गाड़ी पार्क करी और सामने ही यहाँ पे घूमने की जगह है। और यहाँ पे बात करूँ तो यस, आप चाहो तो अपनी कार से जा सकते हो और यहाँ पे आपको ऑटो भी मिल जाएगा। तो अपने पास में कार थी तो हमने सोचा कि हम कार से ही प्रेफर करेंगे सारा का सारा जाना। अब सबसे पहले यहाँ पे मटन चेरी पैलेस आ रहा है, यहाँ पे इसका टिकट 5 रुपये एक जने का है। और इस पूरे एरिया के अंदर ना क्या है कि बेसिकली वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, तो इसलिए अंदर की वीडियोस नहीं बना पाया। लेकिन अंदर जितना भी है ना यहाँ पैलेस में, ये बेसिकली एक हिस्ट्री दिखाई गई है इंडिया की कि किस तरीके से ये एरिया डेवलप हुआ है, कौन कौन यहाँ पे आया था। इवन यहाँ पे कई पुरानी पेंटिंग्स भी हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी जगह है देखने लायक। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ ना इस पूरे एरिया की, आप देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन एरिया है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें, पूरा एक एक चीज़ आपको अंदर डिटेल में मिलने वाली है।
तो अगर आप हिस्ट्री के वाकई में शौकीन हो, जानना चाहते हो कल्चर के बारे में, चीज़ों के बारे में, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। तो ये रहा, अब इसके साथ में बात करते हैं जू टाउन की। तो ये यहाँ पे जू टाउन हमारा शुरू हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये बेसिकली ज्यूस लोगों का एरिया है। तो यहाँ पे आपको जू टाउन भी दिखेगा, इसके साथ में इनका जो पूजा करने की जगह है हमें वो भी यहाँ पे अब देखने को मिलेगी। और जो ये एरिया है ना, ये बेसिकली एक मार्केट है। तो यहाँ पे कोई कार अंदर नहीं जा सकती, आपको बाय वॉक पे ही जाना पड़ेगा। और इधर हम मैं देखूँ ना, तो आप देख सकते हो ये काफ़ी पुराने स्टाइल की है। यहाँ पे इसकी बिल्डिंग्स हैं, इनके डिज़ाइन अगर मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छी यहाँ पे फ़ोटोज़ आपकी आने वाली हैं फॉर श्योर भाई। यहाँ पे जब भी आओ फोटोज़ बहुत अच्छी अल्टीमेट आने वाली हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप शॉपिंग के लिए कर सकते हो, सी फूड यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो बेसिकली सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ज्यूस के जो टेम्पल्स होते हैं जहाँ पे वो लोग पूजा करते हैं, उसको बोला जाता है सिनेगोग। तो ये कुछ है यहाँ पे अंदर ज्यूस का, ये पूरा टेम्पल है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, मतलब यार इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा अल्टीमेट था। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके साथ इसके जो बाहर का एरिया है वहाँ पे भी यार फोटोज ना बहुत अल्टीमेट आने वाली है। तो ये यहाँ पे अंदर का एरिया है। अभी फ़िलहाल के लिए इनकी प्रेयर्स चालू नहीं होगी, तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है प्रेयर्स को चालू करने का। जब तो भाई सारी चीज़ें घूमने के बाद में अब डिसाइड होता है रात के डिनर का, कि रात को क्या डिनर किया जाए। तो हम यहाँ पे आ गए, कहाँ आ गए, अलीबाबा 41 डिशेस पे। तो ये हमारी आज रात की डेस्टिनेशन होने वाली है, जहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। और अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, ये जो रेस्टोरेंट है, आप ये यहाँ पे देख सकते हो लोकेशन। तो इस पूरी की पूरी चेन को, अलीबाबा जो 41 डिशेज है ना, इसको 10 साल हो गया। और आज ये लोग 10 साल होने की खुशी में जो भी इसमें मेन्यू पे चीज़ें आ रही हैं, सब आ रही है ना, उस पर ये 10% ऑफ दे रहे हैं। तो मैं क्या लेने वाला हूँ, मैं ये शेफ़ स्पेशल लेने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मटन दो प्याज़ा इनका स्पेशल है, बीफ स्पेशल है, कंजू, ये जो भी हिसाब किताब है ये स्पेशल है, और ये नीचे वाला पड़ी लेने वाला, ठीक है। और अब इसके साथ ये इसका फेमस है, जो ये शेफ स्पेशल है, ब्रोकली आमंड सूप और बैंकॉक क्रिस्पी चिकन फिश निर्वाणा। तो मैंने सोचा कि भाई फ़िश खानी है यहाँ पे, केरला आके साउथ में ना चिकन मटन बीफ मेरे हिसाब से तो नहीं, बीफ ठीक है लेकिन मैं बीफ खाता नहीं, तो चिकन मटन को साइड करो, फिश को खाते हैं। तो मैंने ये फ़िश उठाई है, और इनका कहना है ये जो फ़िश है लाइक इस तरीके से दिखेगी, और इसके अंदर बेसिकली कोकोनट का जो ऑयल होता है उस पर ये कुक्ड होगी। और इसके साथ में खाने के लिए क्या मंगवाया, ये मंगवाया भाई केरला परोठा। ये भाई जो आज सुबह को कटा है ना वहाँ पे, ये मैंने अब यहाँ पे कंफर्म कर लिया कि भैया केरला परोठा और मालाबार परोठा ये सेम ही है, जैसे अपन लोग वो देखते हैं ना, वो जो फ्रोजन फूड आता है दिल्ली के अंदर, राइट। तो ये यस उसी तरीके का ये परोठा है, और ये बात इन्होंने कंफर्म करी है, तभी मैंने एक परोठा लिया। तो देखते हैं। और यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो,
वही चीज है यहाँ पे, वो हर्बल टी वाला जो हिसाब था ना, और ये भी गरम है, इसका टेस्ट कैसा है? टेस्ट भी सेम वैसा ही है। तो ये चीज भाई यहाँ पे है, सही है। पहले खाना आ जाए, उसके बाद में बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या क्या है। फिर भी अली बाबा 41 डिशेस। और एक चीज ना यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, आपको एक चीज दिखाता हूँ। आपने बहुत, मतलब मैंने तो भाई फर्स्ट टाइम देखी है, अगर आपने देखी है इससे पहले तो मेरे को बताना। ये बात हो रही है यहाँ पे टेबल मैनर्स की, वाइल ईटिंग नेक्स्ट डिश एक्सेलेंट मील। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है इस तरीके से, सही है। थोड़ा बहुत खाने के साथ साथ नॉलेज भी इम्प्रूव हो रही है इसके साथ। अगर बच्चे हैं तो इनका हर डिश कम से कम 15 मिनट लगता है प्रिपेयर होने के लिए, तो तब तक बच्चे जो है यहाँ पे टाइम पास कर सकते हैं, गेम खेल के, फाइन फूड ये सब इस तरीके से कर सकते हैं। और पीछे पीछे प्लेन है। तो जब तक खाना आ रहा है, बात कर लेते हैं कि कोची का आज का दिन रहा कैसा, और क्या कोची आना चाहिए सीधा। यार देखो, पहली चीज़ जब मैंने प्लान किया था ना केरला का, तो मैं पहले से पैकेज देख रहा था, उसमें मेरे को ये समझ में आया था मेजॉरिटी जो आपको पैकेज मिलेंगे वो आपको बोलेंगे कि आप आओ और कोची जिस दिन लैंड करोगे उसी दिन आपको मुन्नार या आपको आगे लेके जाएंगे, राइट। तो वो चीज़ को मेरे को लगा कि नहीं यार, कोची भी घूमने वाली जगह है, ये है वो है। मेरा पर्सनली मानना है, आज पूरा दिन बिताने के बाद में, तो जो फोर्ट कोची हो गया या वास्को डी गामा चर्च हो गया या सैन फ्रांसिस्को चर्च हो गया, ये सारे ना बिल्कुल साथ साथ में हैं, तो सब आमने सामने ही हैं। और ये आप मान के चलो बहुत प्यार से आप आधे दिन के अंदर ये ख़त्म कर सकते हो। आधा दिन लगेगा अगर आप ढंग से देख रहे हो या सोशल मीडिया पे फ़ोटो खिंचवानी है, मतलब फ़ोटोज़ लेनी है, वो लेना है। इनमें मेरे को सबसे बेटर जो आज के दिन में रहा ना, वो ज्यूस टाउन रहा। ज्यूस टाउन बहुत अच्छा था, काफ़ी वहाँ पे जो मार्केट था वो फोटोजेनिक था, और काफ़ी अच्छी अच्छी मैंने फ़ोटोज़ भी वहाँ पे ली हैं। तो अगर आपके पास में डेज ना बहुत लिमिटेड है, तो अवॉइड करो, कोची पे मत आओ, डायरेक्ट आप मुन्नार जाओ, राइट। मुन्नार जाओ, ठेकड़ी जाओ, उसके आगे का बेल्ट कवर करो। आते ही जैसे ही आपका प्लेन लैंड हुआ, वहाँ से कैब पकड़ो या सेल्फ ड्रिवन व्हीकल लो, जैसा हमने करा था। और मुझे लगता नहीं कि कोची पे आना सही है, लेकिन यस, अगर मैं फूड की बात करूँ तो सुबह सरवना भवन पे जो हमने खाना खाया, अल्टीमेट, नो डाउट भाई, बहुत अच्छा खाना था, राइट। अगर आप फूड लवर हो तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो, सेम जैसे मैं ये अली बाबा यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। इसका भी मैंने रिव्यू फीडबैक ना काफ़ी ज़्यादा देखा, रेटिंग देखी, तो मुझे यही समझ में आया जिस जगह पे मैं रुका हुआ उस जगह पे काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है ये, और एक अच्छा वेल रेपुटेटेड है। जैसे अपने वहाँ नॉर्थ में मैं बात करूँ ना, नज़ीर हो गया, करीम हो गया, तो उसी टाइप की ये बेल्ट यहाँ साउथ के अंदर है। तो देखते हैं, खाना खाते हैं बाकी। और सेल्फ ड्रिवन व्हीकल की मैं बात करता हूँ इंडस्ट्री, तो वही बात है यार, देखो पीयूसी मेरे पास में अभी तक नहीं आई है, तो पीयूसी अभी तक गाड़ी की आई नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट स्टिल ठीक ठाक ही लगी यार सर्विस। अब बाकी कल पता लगेगा जब मुन्नार जाएंगे। मेरे को सबसे जो डर लग रहा है ना, वो मुन्नार का ही लग रहा है, कि वहाँ पे ट्रैक कैसा होगा, एरिया कैसा होगा। यहाँ तो साथ प्लेन रोड थी, बाकी प्लेट आ गई है, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो अली बाबा एंड 41 डिशेस, ये यहाँ पे मार्क हो रखा है, तो सही है। इसका मतलब है खाना और परोठा आने वाला है, फिश, ये वाला एक पराठा और करना। आ गई फाइनली, तो ठीक है। ये वाले परोठे की मैं बात कर रहा था, देख रहे हो भाई कितना फ्रेश है, हालांकि है ये मैदा का बना हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट स्टिल भाई अल्टीमेट। और करी देखते हैं एक बार, क्रीमी टेस्ट है और स्पाइसी या ऐसा कुछ नहीं, न्यूट्रल, कोकोनट का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है, लेकिन अल्टीमेट भाई मज़ा आया ये है। तो ठीक है यार, ख़त्म करते हैं एक अच्छे हेल्दी नोट के साथ में, अपनी फिश खाते हैं। कल का ट्रिप रहेगा हमारा मुन्नार का, और अर्ली इन द मॉर्निंग निकलना है, तो देखते हैं। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको पसंद आया, जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन रही हो वो बिल्कुल मैंने सामने आपको शेयर करी है, कुछ मेरा पॉइंट ऐसा नहीं था
कि मैं बड़े बड़े सपने दिखाऊं यूट्यूब पे कि यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये करो, वो करो। जो रियल था, जो मेरे को लगा, वो मैंने आपके सामने शेयर किया। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। खत्म करते हैं ब्लॉग को, अब मिलते हैं कल, बाय।